सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अंकिता सिंह की हत्या के खिलाफ पांकी में बजरंग दल के नेतृत्व में किया गया पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन। झारखंड के दुमका में पेट्रोल बम के हमले में घायल अंकिता की इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे राज्य में उबाल है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन एवं सरकार का पुतला दहन का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सोमवार की संध्या पांकी के मुख्य बाजार चौक में पांकी के बजरंग दल के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बताया कि झारखंड में कट्टरपंथियों का हौसला काफ़ी बुलंद हो गया है। घर में सोई लड़की पर हमला एक दुस्साहसिक घटना है। अपराधी शाहरुख की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, उसे फांसी देनी होगी। झारखंड में प्रतिदिन जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहनों को लक्षित करके प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। लव जिहाद के शिकार हुई बहनों की हत्या करना जिहादियों के लिए आम बात होता जा रहा है। हिंदू समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम नहीं करती तो इस परिस्थिति में हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। आपको बता दें कि 27 अगस्त की रात रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मौके पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल अध्यक्ष गोलू सोनी, अखिलेश कुमार, राजन कुमार, अजय कुमार, छोटू सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अंकिता सिंह के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता सिंह हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।